हाय दोस्तों, चलो देखते हैं कि मशीन कढ़ाई वर्क के लिए आज क्या सामग्री की आवश्यकता है। यहाँ बताया गया है कि रनिंग स्टिच और सेटिन स्टिच को कैसे सिलाई जाती है। आइए देखें कि बॉबी बिन केस कैसे बंद हो गया। आपको बता दें कि धागा कहाँ लगाना है और कढ़ाई कैसे करनी है। सुई नंबर 14, सुई नंबर 11। पतली टांके के लिए हम सुई नंबर 11 का उपयोग करते हैं। आमतौर पर हम अन्य सभी टांके के लिए सुई नंबर 14 का उपयोग करते हैं। मशीन कढ़ाई शुरू करते समय धागे को 6 बॉबिन के चारों ओर लपेटना चाहिए। हमारे लिए कढ़ाई करना बहुत आसान होगा। यह बॉबिन सामान्य सिलाई मशीन के लिए है और यह बॉबिन मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए है। यह बॉबिन केस सामान्य सिलाई मशीन के लिए है और यह बॉबिन केस कढ़ाई मशीन के लिए है। सामान्य सिलाई मशीन बॉबिन के साथ तुलना करने पर सामान्य रूप से एम्ब्रॉयडरी का बॉबिन आकार में छोटा होगा। सामान्य सिलाई मशीन की तुलना में कढ़ाई बॉबिन केस आकार में छोटा होगा। आमतौर पर हमारी कढ़ाई जिगजैग मशीन के लिए हम छोटे आकार के बॉबिन केस और बॉबिन का उपयोग करते हैं। अब हम मशीन कढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए गए फ्रेम के विभिन्न आकार देख सकते हैं। कढ़ाई के लिए 6 इंच फ्रेम से शुरू होकर 12 इंच का फ्रेम उपलब्ध है। छवि आकार के आधार पर हम फ्रेम चुन सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए मैं 12 इंच के फ्रेम का उपयोग करने की सलाह देता हूं। आगे हमें रेशम के धागे की जरूरत है। रेशम धागे में विभिन्न ब्रांड हैं। तब मुख्य रूप से हम बोबिन में घुमावदार के लिए इंटरलॉक थ्रेड का उपयोग करते हैं। वेट के आधार पर 222 और 444 जैसे इंटरलॉक थ्रेड्स के अलग अलग वजन हैं। ये इंटरलॉक धागे बहुत हल्के और पतले होते हैं। यह आसानी से कट जाता है, इसलिए हम मशीन एम्ब्रॉयडरी बॉबिन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमें कटर, सोने की जरी धागा, केची, रेशम सूती कपड़ा 1 मीटर चाहिए। अगली बात, मुख्य रूप से हम सभी मशीन कढ़ाई डिजाइन के दौरान पेपर कैनवास का उपयोग करते हैं। हमें इस पेपर कैनवास को रेशम के सूती कपड़े के नीचे रखना होगा और कढ़ाई के डिजाइन के दौरान फ्रेम को ठीक करना होगा। अगला, हमें डिजाइन पेपर से डिजाइन का पता लगाने के लिए ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता है। आपको दिखाएगा कि मेरे भविष्य की कक्षाओं में रेशम के सूती कपड़े में कार्बन शीट के साथ डिजाइन का पता लगाने का तरीका। जिगजैग मशीन है। नई मशीन की कीमत लगभग 13,000 रुपये है। पुरानी मशीन की कीमत लगभग 6,000 रुपये है।